एंटी करप्शन ब्यूरो की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपालगढ़ थाने में 10,000 रुपये की रिश्वत ASI को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में उस आरोपी ने 14,000 रुपये मांगे थे। जोधपुर SCB की एंटी करप्शन जो ब्यूरो टीम है उसके जिले में भोपालगढ़ पुलिस थाने में बड़ी कार्रवाई की। थाने में पदस्थापित उप निरीक्षक पूर्णाराम को ट्रेप किया है। ASI पूर्णाराम को 10,000 की रिश्वत लेते हुए SCB ने दबोचा है। परिवादी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 14,000 की घूस मांगी थी। वह SCB के ASP दुर्ग सिंह राजपूत की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भोपालगढ़ थाने की बड़ी कार्रवाई है। इस दौरान रिश्वत मांगे जाने वाले ASI पूर्णाराम को टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। SCB के अनुसार जो परिवादी हैं उसने 10,000 रुपये रिश्वत ASI को रंगे हाथों पकड़ा है। SCB के महानिदेशक भगवान लाल सोनी के अनुसार परिवादी द्वारा शिकायत दी गई पुलिस थाना भोपालगढ़ में उसके खिलाफ दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार नहीं करने और उसकी मदद करने और उसकी ओर से दी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के आवाज़ में ASI पूर्णाराम ने 14,000 रुपये की रिश्वत लेते उसको परेशान कर रहा था। यहाँ पर बात की जाए शिकायत की सत्यापन की, जहाँ पर जिस पर SCB जोधपुर के उप महानिदेशक पुलिस सवाई सिंह गोदारा और SCB जोधपुर के सर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह की सुपरविजन में एक शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसके बाद पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव की टीम द्वारा पुलिस थाना भोपालगढ़ में ये SCB की जो टीम है उसके द्वारा ट्रेप करने की कार्रवाई चली। वहाँ ASI को परिवादी से 10,000 रुपये की रिश्वत लेने के दौरान उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा 4,000 रुपये की रिश्वत राशि के दौरान जो सत्यापन की परिवादी जो वसूल ली गई थी, वहीं SCB पूर्णाराम के घर और अन्य ठिकानों को तलाश की जा रही है। SCB के द्वारा बता दें आपको जो आरोपी सहायक उप निरीक्षक पूर्णाराम है जो भोपालगढ़ में ASI के पद पर पदस्थापित हैं, इसके घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं, जिसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। बने रहिए बड़ी खबरों के लिए। नमस्कार।